धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित गुप्ता इंसा, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से रखते हैं आप सभी के सामने। तो आप सभी का आज के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। आज हमारा मसला जो पुरानी सीरीज पेंडिंग थी हमारी पंचकुला दंगा को लेके, आप हमारे फेसबुक पेज पे देखेंगे तो एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी रोड टू पंचकुला वायलेंस। उसमें चार पार्ट्स हमने किए थे, तो पांचवा पार्ट आज हम शुरू करेंगे। उन चार पार्ट्स का हम ब्रीफ ले लेते हैं, उसके बाद हम इतना कुछ लोग जुड़ जाएंगे। हमने शुरुआत की थी भी 1990 में किन हालातों में हजूर महाराज जी को गुरुगद्दी दी गई, क्या माहौल था, और उससे पहले किस तरह से परम पिताजी ने जो प्रबंध किया, समितियों का ढांचा बनाया, और क्या वो प्रबंधक कौन से सही थे कौन से गलत थे, उन्होंने क्या क्या काम किया, ये सारी चीज़ें 1982 से शुरू हुई और पंजाब में आतंकवाद का दौर भी है, उस दौर में डेरा कैसा था, 1990 में कैसे गुरुगद्दी की ये सब रस्म हुई, उसके बाद किस तरह 1990 में 91 92 में 98 में 99 में 2002 में 2005 में, मतलब बार बार कैसे हजूर महाराज जी को स्टेज से उतारने की कोशिशें की गई, कैसे गुरुगद्दी हथियाने की कोशिश की गई, और कितनी बार उन पे हमले हुए, ये सब कुछ चीज़ें हमने उसमें जिक्र की थी। और 2005 में जो रैली हुई, 2002 में आमरण अनशन का होना, 2007 में डेरा सिख दंगा होना, 2010 में बस कांड होना, 2012 में 11-12 में चुनावी समीकरण चुनाव में डील होना, 15 में बरगाड़ी कांड होना, ये तमाम चीज़ें हम पिछले चार पार्ट्स में कवर कर चुके हैं। तो अब हम 2015 से आगे की घटनाएं पे डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारा जो पांचवा पार्ट रहेगा रोड टू पंचकुला वायलेंस, पंचकुला दंगा के अनसुलझे पहलू भाग पांचवा। शुरुआत करते हैं हम 2016 तक, लगभग कंप्लीट था। 2017 की हम शुरुआत करें, 2016 से ही करें। 2016 में एक्सटूडेंट्स थे जो डेरा के स्कूल से, जैसे डेरे के स्कूल से पढ़े हुए बच्चे थे या कॉलेज से पढ़े हुए बच्चे थे, उनका एक प्रोग्राम रखा गया मई 2016 के अराउंड। ये प्रोग्राम रखा गया रिजॉर्ट के अंदर हजूर महाराज जी की तरफ से, और इसमें जितने भी बच्चे थे उनको बुलाया गया, लगभग 100-150 बच्चे होंगे, 100 बच्चे 101 बच्चे तो होंगे स्कूल के जो करंट थे स्कूल कॉलेज के और टीचर्स थे, लेकिन 50 बच्चे ऐसे थे जो पुराने 96-97 उस समय से स्कूलों में पढ़ के गए थे, मतलब उन्हें पुराना लाना बोला जाता है यहाँ पे, पिताजी बोलते उनको बुलाते थे, वो लगभग 40-50 बच्चे उस टाइम पे थे। तो टोटल 150 बच्चे थे, लगभग 4 घंटे करीब वो मीटिंग रिजॉर्ट में चली, डिस्कशन चली, या लोग बच्चे अपनी बातें सुना रहे थे, पिताजी भी अपनी बात रख रहे थे, सब रख रहे थे। उसमें एक सवाल आया और ये सवाल पूछा था अर्श अरोड़ा ने, ये सवाल था अर्श अरोड़ा आईटी विंग के अंदर एक जिम्मेवार रहे हैं, तो पीआरओ भी पिताजी के रहे हैं एक टाइम पे, कुछ दिन कुछ टाइम के लिए। उन्होंने सवाल पूछा था, सवाल नहीं पूछा, अपनी बात रखी थी कि पिताजी से अर्ज की कि जितने भी ये बच्चे बैठे हैं इन बच्चों को आप वचन करो भी ये बच्चे आईटी विंग का साथ दें, और जो आपका ट्विटर यूट्यूब फेसबुक चलता है उसके प्रमोशन में, मूवी खास तौर पे मूवी प्रमोशन को लेके, मूवी प्रमोशन में हमारा साथ दें। ये बात मतलब अर्श अरोड़ा ने पिताजी को कही, लेकिन पिताजी ने उसकी बात को तो जो जिस कॉन्टेक्स्ट में कही थी वो तो अनसुना कर दिया एक तरह से, लेकिन उसके बाद बात बदल दी और अपनी तरफ से एक बात बोली बच्चों को, और पिताजी ने वचन फरमाए, हूबहू ये वचन थे, वचन फरमाए पिताजी ने, वचन ऐसे थे, बेटा बच्चों को बाप की ज़रूरतों का पता होना चाहिए। ये वर्ड टू वर्ड ऐसे वचन थे, बच्चों को बाप की ज़रूरतों का पता होना चाहिए, हम कभी नहीं बताएंगे कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं, अगर ये हमारे बच्चे हैं तो इनको पता होना चाहिए, अगर इनको नहीं पता तो ऐसे बच्चे हमारे किस काम के।
ये वचन थे हजूर पिताजी के, बच्चों को बाप की ज़रूरतों का पता होना चाहिए। हम कभी नहीं बताएंगे हमारी ज़रूरतें क्या हैं। अगर इनको हमारी ज़रूरतें नहीं पता तो ऐसे बच्चे हमारे किस काम के। ये वचन हजूर पिताजी ने मई जून 2016 के आसपास बच्चों को फरमाए। उस टाइम कई बच्चों के मन में आया, भी पिताजी इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं, ऐसी कौन सी ज़रूरत है जो हम देख नहीं रहे हैं, और अगर हम उस ज़रूरत को देख नहीं रहे हैं फिर हमें पिताजी के बच्चे कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। उस समय चर्चाएं भी हुई बच्चों में, आपस में डिस्कशन हुई, बच्चों में बात फैलने भी लगी। और क्योंकि हम उस दौर से गुज़र रहे थे, मैं उस टाइम जानता था अभी ये बात कहाँ कही जा रही है, हम उस टाइम टीम जोड़ रहे थे इन चीज़ों के लिए और कई बच्चे जुड़ भी चुके थे। लेकिन जब ये धीरे धीरे बच्चों तक ये बात पहुंचने लगी और सब में डिस्कशन का टॉपिक यही था कि आखिर ऐसा कौन सा काम है जो पिताजी तो बताएंगे नहीं लेकिन हमें खुद ब खुद करना है, भी अगर हम नहीं करेंगे तो बच्चे हम किस काम के। तो अगर पिताजी के काम के हैं तभी एक भजन भी आता ना, भी बंदे वो ही हैं जगत में काम के, सतगुरु जो है दीवाने तेरे नाम के, नाम जपे सुबह शाम और चीज से क्या काम, एक श्वास भी हराम आए गुरु के ना काम। तो गुरु के काम ना आ सके तो ऐसा फिर क्या फ़ायदा हमें। तो ये चीज़ें डिस्कशन हुई उस टाइम, धीरे धीरे ग्रुप बिल्डअप हुआ और ये चीज़ें हम देखने भी लगे थे। करते करते जनवरी 2017 जब आई, जनवरी 2017 में क्या था कि इलेक्शन, जैसे इन्हीं दौर की बात है, इलेक्शन था पंजाब में भी उत्तर प्रदेश में भी। तो पंजाब में इलेक्शन था और पंजाब में राजनीतिक विंग, क्योंकि अकाली दल के समर्थन में जाना चाहता था लेकिन जो हरमिंदर सिंह जस्सी थे वो कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, खींचतान चल रही थी, सब कुछ था। और उस टाइम क्या हुआ कि बात, जैसे इलेक्शन के दौर में बहुत सारी चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं कि क्या करना है, फ्यूचर में कौन सी प्लानिंग रचनी है, बहुत सारे लोगों का असली चेहरा इलेक्शन में सामने आता है। उस समय क्या था, भाई जसमीत जी हरमिंदर सिंह जस्सी के पक्ष में प्रचार कर रहे थे खुद जाके, और तलवंडी साबो सीट पर वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहे थे, लेकिन राजनीतिक विंग अकाली दल के पक्ष में था। राजनीतिक विंग ने संगत की तरफ से हजूर पिताजी को अर्ज की, हालांकि संगत को तो जानकारी नहीं होगी, हजूर पिताजी को अर्ज की कि पिताजी भी आप राजनीतिक विंग भाई जी को बोलो, संगत को बोलो भी सिर्फ राजनीतिक विंग के हिसाब से चलना है, परिवार के हिसाब से नहीं चलना है। तो क्योंकि मैनेजमेंट जानती है कि पिताजी परिवार के डिसीजंस को महत्व संगत के ऊपर नहीं देते, तो फिर पिताजी ने ये बात कही भी संगत को, संगत के राजनीतिक विंग के हिसाब से चलना चाहिए, हमारे परिवार के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। तो लिहाजा अभी हरमिंदर सिंह जस्सी के खिलाफ राजनीतिक विंग उतरा। उस दौरान क्या है कि पिताजी ने जब जैसे ही इन्होंने अकाली दल की घोषणा की दो दिन पहले इलेक्शन से, उसी दरमियान पिताजी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिताजी ने ये बोल दिया, किसी ने सवाल पूछ लिया कि भी पिताजी भी आप पत्रकार ने भी आप तो समाज में नशे छुड़ाते हैं और आपकी संगत जो विंग है खास तौर पे वो एक ऐसी पार्टी का समर्थन कर रहा है जो इस पंजाब में जिन्होंने नशा ही नशा पूरा मतलब फैला दिया है, तो आप ऐसी पार्टी का समर्थन क्यों कर रहे हैं। पिताजी ने आगे से बोल दिया भी हमने तो ऐसे कोई वचन नहीं किए और हमें तो जानकारी ही नहीं है इस बात की। इतनी बात जब संगत में पहुंची तो सात संगत ने अकाली दल को वोट नहीं दिया। वहां से प्लानिंग शुरू होती है हजूर पिताजी को जेल भेजने की, कि अगर हजूर पिताजी की एक स्टेटमेंट से वोट बैंक सारा टूट गया राजनीतिक विंग का, तो वहां से पॉलिटिकल विंग एक्टिव होता है कि हम पिताजी के खिलाफ काम करेंगे। उससे पहले भी क्या है, उससे पहले भी एक चर्चा चली जिसमें 31 जनवरी 2017 को मोड़ मंडी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। अब मोड़ मंडी बॉम्ब ब्लास्ट क्यों हुआ, किसे मारने के लिए हुआ, ये अपने आप में बड़ा रहस्य है। लेकिन क्या इस रहस्य में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद इत्तेफाक कह लो या ये कह लो भी आज ये दिन आना था और इस दिन के लिए हजूर पिताजी ने हमारे सामने कुछ क्ल्यू छोड़ दिए। 24 जनवरी 2017 मेरी गाड़ी, मेरे पास एक गाड़ी होती थी मारुति की, मेरी गाड़ी मैंने हॉस्पिटल के बाहर पार्किंग मतलब हॉस्पिटल के बाहर सड़क पे पार्क कर दी, जहाँ पे पहले से ही
60-70 गाड़ियां पार्क हो रखी थी, वहीं मैंने अपनी गाड़ी पार्क कर दी क्योंकि भंडारा नज़दीक था। तो क्या हुआ कि जो क्रेन वाले चलते हैं, अभी आप नो पार्किंग में गाड़ी लगाएं, तो क्रेन वालों ने वो गाड़ी उठा ली, मतलब नो पार्किंग में खड़ी होने की वजह से वो गाड़ी उठा ली। अब थोड़ी देर बाद जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि 70 गाड़ियों में से सिर्फ मेरी ही गाड़ी उठाई गई है, क्योंकि मेरी पहले से 2015 से खींचतान तो एडम ब्लॉक से चलती थी और मैं इस तरह के हाथ पैर तो नहीं जोड़ता था उनके। तो मैंने गुस्से में आके थाने में फ़ोन लगा दिया कि मेरी गाड़ी हो गई है चोरी, और चोरी हो गई और वो गाड़ी, मैंने उनको सारी डिटेल दे दी। तो क्या हुआ, थाने से एकदम से पुलिस आ गई। अब मैंने इधर से एडम ब्लॉक में फ़ोन लगाया, मैंने कहा भी मेरी गाड़ी आपने उठाई है, जबकि कानूनन आपको अधिकार नहीं है रोड से गाड़ी उठाने का, आपकी कोई क्रेन सरकारी नहीं है और ये रोड आपके बाप की नहीं है भी, आप यहाँ से गाड़ी उठा के ले जाओगे मेरी। तो मैंने पुलिस बुला ली, तो गाड़ी ढूंढना शुरू किया। उस क्रेन वाले को बुलाया गया जिस जो क्रेन सर्विस चलाता है, उस क्रेन सर्विस को पूछा गया भी ये गाड़ी कहाँ है पुलिस ने, तो उसने कहा जी मैंने ये गाड़ी उठाई ही नहीं है। तो मैंने पुलिस को बोला अगर मेरी गाड़ी उठाई नहीं है इसका मतलब मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। तो गाड़ी इतनी कोई बहुत नई गाड़ी नहीं थी, तो पुलिस ने कहा भी इतनी पुरानी गाड़ी है चोरी कौन करेगा, अभी यहीं कहीं हो गई। पुलिस वालों ने 2-3 थप्पड़ लगा दिए क्रेन वालों को, बोला नहीं गाड़ी ढूंढ के दो। मैंने पुलिस को डराना शुरू किया, मैं कहा जी आपके राज में ये प्राइवेट क्रेन है, लोगों की गाड़ियाँ चोरी कर रही है, तो ये तो थाने को जवाब देना पड़ेगा। तो उन्होंने 2-4 थप्पड़ लगाए क्रेन वाले के, भी गाड़ी ढूंढ के दो। अब मुझे आइडिया लग गया था धीरे धीरे वहाँ उनके बातचीत में भी ये गाड़ी कुछ तो गड़बड़ है, भी गाड़ी उठाई गई है लेकिन जहाँ गाड़ी उठा के रखी जाती है वहाँ गाड़ी नहीं है, भी गाड़ी इसका मतलब किसी ये किसी के स्पेशल कहने पे उठाई गई है। तो हॉस्पिटल के सामने छटियों का छोर होता था, छटियों का छोर, तो मैं छटियों के छोर में चला गया गाड़ी ढूंढते ढूंढते। जब छटियों के छोर में गया तो आप यकीन मानिए छटियों के छोर के बैक साइड पे, जैसे पहाड़ सा धीरे धीरे वो ऊपर से छटियाँ उतारते तो ऐसे स्लोप सा बन जाता है उसमें, उतारते उतारते मेरी गाड़ी उसके ऊपर चढ़ी हुई थी और उसके बाद उसके चारों तरफ छटियाँ घेर रखी थी, ये गाड़ी किसी को दिखाई ना दे। अब ढूंढते ढूंढते मुझे वो गाड़ी, कह लो पिताजी ने इशारा किया है जैसे भी कह लो, मुझे वो गाड़ी दिख गई। जब वो गाड़ी दिख गई मैंने पुलिस को बुलाया, तो वो गाड़ी वहाँ से नीचे उतरवाई गई प्रॉपर मदद से, कुछ लोगों की मदद से वो गाड़ी उतरवाई। जब वो गाड़ी उतरवा के वहाँ से ले जाने लगे तो 4 सेवादारों ने रोक लिया मुझे, 4 जो वहाँ पे पहरा दे रहे थे उन्होंने रोक लिया कि भैया ये गाड़ी यहाँ से नहीं लेके जानी, हमारी ड्यूटी लगी है भी ये गाड़ी किसी को ले जाने नहीं देनी। अब मेरे वो तो चलो पुलिस बुला रखी थी, तो हमने कहा गाड़ी मेरी है, डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ में, चाबी मेरे हाथ में, अभी तुम कौन होते हो रोकने वाले भी गाड़ी मेरे को नहीं ले जाने देनी। बोला हमारे को एडम ब्लॉक से स्पेशल ऑर्डर है भी ये गाड़ी यहाँ से लेकर नहीं जाने देनी। उसके बाद ड्राइवर को फिर पकड़ा पुलिस ने, थोड़ा बहुत 2-4 थप्पड़ और लगा दिए उसके, भैया ये गाड़ी यहाँ पे आई कैसे, तूने उठाई तो ही तो आई है, हैंड ब्रेक लगी गाड़ी ऊपर कैसे चढ़ गई, इसका मतलब क्रेन से उठा के चढ़ाई गई है, भी ये गाड़ी किसके कहने पे उठाई, सब कुछ जब थोड़ा सा सख्ती बरताई तो वो बोलने लगा भी डॉक्टर पीआर ने इनके कहने पे गाड़ी मैंने उठाई है। तो भी एडम ब्लॉक से फ़ोन आया था डॉक्टर पीआर ने इनके कहने पे ये गाड़ी हमने उठा के छुपाई है यहाँ पे, उनका ऑर्डर था ये गाड़ी किसी को देनी नहीं है। जब ये चीज़ सामने आई तो हमें लगा, मुझे लगा भी ये जानबूझ के मुझे परेशान करने के लिए मेरी गाड़ी उठाई गई है। लेकिन 31 दिसंबर इसको जनवरी को लगभग 7 दिन बाद मारुति 800 में, एक मारुति 800 गाड़ी थी, उसके अंदर मोड़ मंडी में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। हालांकि उस टाइम तो हमें नहीं पता चला, लेकिन अब समझ में आता है कि 24 तारीख को वो गाड़ी क्यों उठाई गई थी, मेरी गाड़ी क्यों उठाई गई थी। तो 31 जनवरी को वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उस बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जब, उसके बहुत सारे पहलू ऐसे हैं जो अजीबोगरीब हैं, आप एक फिल्मी स्टोरी की तरह हैं, फिर भी आपको पता होने चाहिए क्योंकि कल को जब कुछ होगा तो आपको समझ आ जाएगा। उस बॉम्ब ब्लास्ट के पास जब वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में वहाँ पे पाकिस्तान के नंबर भी एक्टिव थे और 2 डेरा के स्पेशल सेवादारों के नंबर भी एक्टिव थे वहाँ पे। ये सब कुछ हुआ उस बॉम्ब ब्लास्ट में, 7 लोग मारे गए थे जिसमें से 4 या 5 बच्चे थे और उसमें से एक बच्चा पंडाल समिति के जिम्मेवार ये
हेमराज जी, जिनका ऑडियो भी आपने सुना होगा, हमने एक चुनाव के दौरान डाला था, पंजाब पंडाल समिति के जिम्मेवार हेमराज जी का पोता, अपना सगा पोता, वो भी उसमें जल के उसकी भी मौत हो गई थी। और इतनी दर्दनाक हालत थी कि वो सिर्फ बॉम्ब लगाए, मतलब बॉम्ब इस इरादे से ही लगाया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें मरें। और उसमें हरमिंदर सिंह जस्सी का पीए भी मर गया था, या यूं कह लीजिए मार दिया गया या मर गया। लेकिन सवाल ये खड़ा हुआ था कि वो गाड़ी वहाँ तक पहुँची कैसे, क्योंकि अब तो इन्वेस्टिगेशन में क्लियर है कि वो गाड़ी डेरा की वर्कशॉप में तैयार हुई थी। ये तो डेरा की वर्कशॉप के कर्मचारियों ने ही कोर्ट को बयान दिए हैं कि डेरा की वर्कशॉप में वो गाड़ी तैयार हुई थी। अब उसमें जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो वो दो पाकिस्तान के नंबर भी इन्वेस्टिगेशन में गायब हो जाते हैं, डेरा के जो दो लोगों के नंबर उस इन्वेस्टिगेशन में मिले थे वो भी गायब हो जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन में ले दे के जब कहते हैं बैटरी डेरा से गई है, सब कुछ गया है, तो सीधा सीधा उठा के एक मिस्त्री है वर्कशॉप का, उसका इल्ज़ाम आ जाता है, एक पिताजी के गनमैन का नाम आता है, और एक और इलेक्ट्रिशियन है उसका नाम आता है। वर्कशॉप एक प्रोफेशनल, मतलब एक प्रोपराइटर फर्म थी वो प्रॉपर, उस वर्कशॉप का प्रोपराइटर कौन है उसके ऊपर केस नहीं आता, क्योंकि वो कौन था, वो एक डेरा के प्रबंधक का भाई है, इसलिए उसके ऊपर केस नहीं आता। उसके अंदर एक स्पेयर पार्ट्स की शॉप चलती है, जिसने वो बैटरी खरीदी थी वो भी डेरा के प्रबंधक के भाई की है, इसलिए उसके ऊपर भी केस नहीं आता। केस किसके ऊपर आता है? केस दो ब्रह्मचारियों पे आ जाता है, मिस्त्री और एक इलेक्ट्रीशियन पे, और अमरीक सिंह का तो सबको पता ही है वो कैसी शख्सियत था। तो ये सारी चीज़ें मतलब हुई मोड़ मंडी ब्लास्ट में। उसका मसला, उसका जो ऑब्जेक्टिव था, इत्तेफाक ये था कि वो गाड़ी हरमिंदर सिंह जस्सी के काफिले में, जहां फॉर्चुनर जैसी गाड़ियां 40-40 लाख की गाड़ियां खड़ी थी, वहां ये खटारा गाड़ी को ले जाया क्यों गया। मोड़ के लोगों से हमने बात की है, मोड़ मंडी के लोगों से हमारी टीम में, उन्होंने बताया कि ये गाड़ी, मतलब इस गाड़ी को लाया गया और इस गाड़ी को वहां प्लांट किया गया, और इसमें हरमिंदर सिंह जस्सी की फैमिली के लोगों का ही हाथ था, और डेरा की तरफ से गाड़ी पहुंचाई गई तो डेरा के भी कुछ सेवादार वहां पे आए थे। इस चक्कर में हेमराज जी वहाँ इसलिए थे क्योंकि उनका पारिवारिक, मतलब उनके पुराने संबंध हैं हरमिंदर सिंह जस्सी से, वो हमने ऑडियो में सुना ही है। मसलन ये माना जा सकता है कि वो हो सकता है भी हरमिंदर सिंह जस्सी को मारने के लिए हो सकता है हरमिंदर सिंह जस्सी के कहने पे, मतलब ये सब किया गया हो, क्योंकि हरमिंदर सिंह जस्सी के फैमिली का इन्वॉल्वमेंट का भी लोगों ने वहाँ पे बताया। हालांकि इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ आया नहीं, पर लेकिन इन्वेस्टिगेशन कभी हुई, इंटरोगेशन कभी हरमिंदर सिंह जस्सी की हुई ही नहीं इस केस में, ना उनकी फैमिली की हुई, तो इसलिए केस अभी भी लटका हुआ है हाई कोर्ट में भी। इसमें बहुत सारी पिटीशंस डली हैं, और कुल मिला के क्योंकि डेरा से नाम जुड़ता तो हजूर पिताजी का नाम तो जोड़ ही दिया जाता है। ये सारी चीज़ें मोड़ ब्लास्ट में हुई, और उस मोड़ ब्लास्ट में अब आपको पता है क्या कुछ है। 2017 शुरू हो चुका था और धीरे धीरे इलेक्शन के बाद ये प्लानिंग पनपने लगी थी हजूर पिताजी, अब क्योंकि हजूर पिताजी की स्टेटमेंट बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों के पक्ष में नहीं जाती थी, तो ये तमाम राजनीतिक, डेरा की मैनेजमेंट, राजनीतिक विंग खास तौर पे इन तमाम गतिविधियों में सक्रिय होने लगा था, अभी किसी तरह पिताजी को जेल के अंदर किया जाए, फिर वहाँ से जो हुक्म आएगा वो हम अपने तरीके से परोसेंगे। हालांकि प्लानिंग गुरुजी को जेल के अंदर भेजने की नहीं थी, उनकी प्लानिंग पिताजी की हत्या करने की थी। असल में पंचकुला दंगे की जितनी भी तैयारियां हुई, ये सारी तैयारियां उसी तर्ज पे थी जिस तर्ज पे ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो 1984 में हरमंदर साहिब पे घटना घटी थी, इंडियन आर्मी का ऑपरेशन था, उसी तर्ज पे ये सारी तैयारी डेरे में शुरू हो गई थी 2017 के पंजाब इलेक्शन के बाद से ही। हमें नहीं पता था, लेकिन आज क्योंकि पता है, मार्च अप्रैल से ही 45 मेंबरों ने मीटिंग लेनी शुरू कर दी थी, भी कुर्बानी समिति बनाएंगे, भी ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई जाए हर ब्लॉक दर ब्लॉक, जो गर्म दल में हों, जो जरूरत पड़ने पे मर भी सकते हों और मार भी सकते हों, इस तरह के लोगों की मार्च अप्रैल में ही लिस्ट बनाई जाने लगी थी। मार्च अप्रैल मई के मई जून आते आते अचानक से क्या होता है, देखो राजनीतिक साजिश है तो कोर्ट उस साजिश में कैसे भागीदार बनती है। अचानक से इधर से, जैसे 2007 का जब दंगा, डेरा सिख दंगा मई 2007 में हुआ, किसी को नहीं पता था भी 29 अप्रैल के बाद ये ड्रेस जब पंजाब में पहनी जाएगी तो इसका बवाल हो सकता है,
लेकिन जगजीत सिंह को पता था, इसलिए जगजीत सिंह उसकी तैयारी पहले से किए हुआ था। आम साध संगत को, किसी भी संगत को इसकी जिम्मेदार जानकारी नहीं थी और ना ही समझ थी, और लेकिन डेरा के मैनेजमेंट को थी, इसलिए दंगे की तैयारी पूरे पहले ही कर रखी थी। लेकिन मार्च 2007 में कुर्बानी समितियां बनने लगी थी, ये जानकारी किसके पास थी कि मार्च 2007 में कुर्बानी समितियां क्यों बनाई जा रही हैं? इसका भी सबूत हमारे पास है भी, वो बनाई गई बकायदा कागजों पे। हमारे पास लिस्टें आई हैं उस समय की, जो कुर्बानी समितियों की लिस्टें बनी थी, किन किन लोगों ने उसमें नाम लिखवाए थे, साइन किए हैं, डेट लगी है उनकी अपनी हैंड राइटिंग में, उनके थंब इम्प्रेशन है, वो सारे कागजात हमें उपलब्ध कराए लोगों ने अलग अलग जगहों पर, भी कैसे लिस्टें बनी थी और उनकी लिस्टों की कॉपियाँ उनके पास पड़ी थी, भी ये लिस्टें मार्च 2007 में बनी। और इसका मतलब मार्च में पिताजी ने बोला होगा कि इस तरह का कुछ प्रोग्राम हम करना चाहते हैं, तो मार्च में ही ये तैयारी शुरू कर दी गई थी भी इस प्रोग्राम को हमने इस तरह से प्रस्तुत करके डेरा और सिख दंगा करना है। इसी तरह 2017 में भी बड़े लेवल पे ये तैयारी शुरू हो चुकी थी भी डेरा के अंदर इतना बड़ी वारदात कराओ भी डेरा हमेशा के लिए दब जाए और हजूर पिताजी की उसकी आड़ में हत्या कर दी जाए। ये बिल्कुल ऑपरेशन ब्लू स्टार के पैटर्न पे चल रहा था। इस रेस में डेरा के अंदर अवैध, अवैध का मतलब इल्लीगल, इल्लीगल हथियार भी पहुंच रहा था, इल्लीगल काम भी चल रहे थे, सब कुछ इल्लीगल चल रहा था। गांव गांव जाके, अलग अलग ब्लॉकों में जाके 45 मेंबर कुर्बानी समितियां बना रहे थे जगह जगह भी, ताकि ज़रूरत पड़ने पर इन लोगों को मैदान में उतरवा के दंगा करवाया जाए। इसके साथ साथ जो हमारे सूत्र कह लीजिए या सोर्सेस कह लें, वो ये भी बताते हैं कि ऐसे हथियार भी उपलब्ध हुए जो आम तौर पे सिर्फ आर्मी के पास होते हैं, ना पुलिस के पास होते हैं, ना ही नागरिकों के पास, तो होने ही क्या है। इसको लेके डेरा के अंदर एक टीम तैयार हुई, उस टीम को इसकी कोई जानकारी नहीं थी, बस वो टीम थी, उस टीम को क्या करना था ये कुछ नहीं पता था, ये भी हमें उस टीम के लोगों ने बताया। उस टीम में लगभग लगभग सारे लोग एक्स आर्मी मैन थे, एक्स सर्विस मैन जो आर्मी में, आर्मी से रिटायर हुए हुए थे। संभव है कि जो हथियार डेरा की मैनेजमेंट प्रोक्योर कर रही थी वो हथियार आम आदमी चलाना नहीं जानता था, और जो फौजी रिटायर्ड डेरा में आते थे कल को उनका इस्तेमाल करके उनको मजबूरी में वो हथियार पकड़ाएंगे तो शायद वो हथियार चला दें, वो हथियार चलाएं और उस ये सब मजबूरी हो जाएगी, ये भी हो सकता है। लेकिन अब इसमें आप आगे बढ़िए, समितियां बन रही थी, सब कुछ हो रहा था, जून जुलाई में बकायदा मीटिंगें पूरी पीक पे आ गई थी, लोगों को स्पेशल प्रसाद दिए जा रहे थे। जी दिलीप सिंह जी भी लिख रहे हैं, अभी एक महीना पहले 45 मेंबर आए थे, तो ये सारी चीज़ें चल रही थी और उन लोगों को डेरे भी नहीं आने दिया जा रहा था, अभी आपने तैयारी करनी है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन कोई आइडिया नहीं था हमें। अब क्या है कि आपको अब पता होना चाहिए, इस देश में एक खुफिया विभाग भी है, उस खुफिया विभाग को इंटेलिजेंस ब्यूरो बोलते हैं, लेकिन उसके अलावा ये तो सिर्फ खुफिया विभाग सामने से जनता को, आम जनता को दिखाई देता है। इसके बाद ऐसे कम से कम 12 या 13 विभाग ऐसे हैं जिसका कोई बाहर सरकारी तौर पर ये नहीं होता भी ये विभाग है, लेकिन वो विभाग भी खुफिया तरीके से काम करते हैं। ऐसे गृह मंत्रालय की, जिसे आप सरल भाषा में एजेंसियां बोलते हैं, भी एजेंसियां हैं, ये एजेंसियां जो हैं ये एक्चुअल में गृह मंत्रालय की एजेंसियां होती है, 10 से 12 ये अलग अलग ट्रैक पे काम करती हैं। इस सब के अलावा एक मिलिट्री इंटेलिजेंस होता है, इसे डिफेंस इंटेलिजेंस बोलते हैं, मिलिट्री, ये वो होता है जो देश के खिलाफ कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई की प्लानिंग चल रही हो उस लेवल का इंटेलिजेंस काम करता है उसमें, जब बिल्कुल बड़े लेवल पे क्रॉस बॉर्डर्स ऑपरेशंस होते हैं उसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस काम करता है। तो ये अनुमान लगा, इंटेलिजेंस लगा रही थी भी जो तैयारियां चल रही हैं वो उनको पता चल रही थी कहीं ना कहीं से। अब वो है नहीं भी वो आपको SMS करके संगत को बताएंगे, उनके हिसाब से तो संगत खुद कर रही है। तो अब अंदाज़ा लगाओ उस समय पे क्या चल रहा होगा, क्या माहौल होगा। आज तो आप इस चीज़ को कल जोड़ सकते हैं, इधर से सब कुछ चल रहा था और अब धीरे धीरे जुलाई 2017 की बात है। आम तौर पे हजूर पिताजी हर संडे, हर
महीने के आखिरी सैटरडे स्कूल के पुराने बच्चों की, स्कूल कॉलेजों के पुराने बच्चों की, मिस्त्रियों की मीटिंग लिया करते थे सचखंड हॉल में, मजलिस के बाद, शाम की मजलिस के बाद आमतौर पे। लेकिन 2015 के बाद ये मीटिंग बंद हो गई थी, कोई मीटिंग नहीं होती थी ना मिस्त्रियों की और ना ही बच्चों की। 30 जुलाई 2017, आई थिंक 30 या 29 जुलाई 2017 को अचानक से मीटिंग बुलाई जाती है बच्चों की, बच्चों की भी बुलाई जाती है, मिस्त्री भी बुलाए जाते हैं, जो जो मिलते हैं लोग उन सबको बुलाया जा गया मीटिंग पीछे 30 जुलाई को। हजूर पिताजी ने, जो बॉयज थे, लड़के थे, एक स्टूडेंट, वो अक्सर पिताजी के सामने कागज प्रस्तुत किया करते थे, वो उनकी तरफ से मैं ही प्रस्तुत करता था। उस कागज को दिया जाता था, जितनी बार वो पिताजी से मिलते थे तो एक कागज रखते थे जिसमें लिखा होता था, पिताजी आज के बाद हम ये बुराई छोड़ना चाहते हैं, आप हमारी ये बुराई छुड़वाओ और हम अच्छे रास्ते पे बढ़े, हमें कोई नेक रास्ता दिखाओ। तो ये चीज़ें हर बार मीटिंग में होती थी, लेकिन क्योंकि 2 साल से बंद थी और मेरी ही ये ड्यूटी थी बच्चों की तरफ से इस कागज को हजूर पिताजी के, मतलब इस प्रेजेंटेशन को हजूर पिताजी के सामने रखना। करीब करीब 40 बार ये बात, 40 अलग अलग मीटिंगों में ये प्रेजेंटेशन रखी गई थी। उस दिन भी जब मीटिंग हुई तब भी इस प्रेजेंटेशन को तैयार किया गया पेपर पे, और जैसे ही हजूर पिताजी आए तो अभी हमारे नज़दीक नहीं पहुंचे थे, दूर ही थे, तो माइक पे पिताजी ने बोलना शुरू किया बच्चों को, 29 जुलाई 2017 की मीटिंग जी, बोलना शुरू किया पिताजी ने। अभी वहाँ मतलब प्रेजेंटेशन नहीं देखी थी पिताजी ने। पिताजी कहते, बेटा आप सब हमारे बच्चे हो, बचपन से यहाँ पे पढ़े हो, हमें आप पे बहुत मान है। गौर से सुनिएगा, वर्ड टू वर्ड यही वचन थे, बेटा आप सब हमारे बच्चे हो, यहाँ पे बचपन से पढ़े हो, हमें आप पे बहुत मान है कि आप हमारे लिए कुछ अच्छा करोगे, बुरा तो यहाँ सारे ही कर रहे हैं, आप हमारे बच्चे हो, बचपन से यहाँ पढ़े हो, हमें आप पे महान है, मान है, आप हमारे लिए कुछ अच्छा करोगे, बुरा तो यहाँ सारे ही कर रहे हैं। अब इन वचनों का क्या मतलब, क्या आपको समझ में आया, अपने तरीके से अर्थ निकाल लेना स्पष्ट। ये वर्ड टू वर्ड बात पिताजी ने बोली। उसके बाद पिताजी आगे आए तो वही प्रेजेंटेशन वाला कागज़ जब मैंने हजूर पिताजी के सामने रखा कि ये बच्चों की तरफ से ये प्रेजेंटेशन का कागज़ है, अक्सर मतलब ऐसा नहीं कि पहली बार था, लगभग 40 बार पहले रख चुके थे और ये कोई रूटीन था बच्चों का, कोई नई बात नहीं थी। और पिताजी बकायदा इसकी चर्चा भी करते थे अलग अलग सभाओं में भी कि बच्चे इस तरह का अच्छा काम करते हैं। उस कागज़ पे क्या लिखा हुआ था, उस कागज़ पे ये लिखा था कि पिताजी हम आपके स्कूल में, मतलब आप इत्तेफाक देखिए भी यही चीज़ पिताजी पहले बोल चुके हैं और पिताजी को नहीं मालूम है अभी उस कागज़ में क्या लिखा है। और मैंने उस कागज़ में जो हमने लिखा था उसमें क्या लिखा था कि पिताजी हम यहाँ पढ़े हैं, हमने डिग्रियाँ कर ली हैं, हमें कोई मकसद दो, हमारे पास मकसद नहीं है अभी, हम डेरे के लिए क्या काम करें, हमारी जो एक्सपर्टीज़ हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई अच्छा फार्मर है, कोई किसान है, कोई अच्छा बिजनेसमैन है, हर तरह का, हर बंदे के पास स्पेशल तरह का कोई ना कोई टैलेंट होता है, भी आप हमें कोई मकसद दो भी हम इस डायरेक्शन में काम करें, और हम इसलिए आपके सामने ये अर्ज लेकर आए हैं, भी इस बार हम कोई बुराई छोड़ने की बजाय कोई मकसद मांगने आए हैं। तो ये चीज़ हमने लिखी थी उसमें, और यकीन मानिए उस दिन हजूर पिताजी का अक्सर क्या करते थे, हजूर पिताजी, पिताजी वो प्रेजेंटेशन पढ़ते फिर सभी बच्चों से पूछते, कहते बेटा आपको ये सारी चीज़ मंजूर है जो इसमें लिखी गई है, आपने पढ़ ली है? तो बच्चे बोलते हैं हाँ जी पढ़ ली है। बोले फिर हाथ खड़ा करके नारा लगाओ, मतलब प्रण करो इसका, अक्सर ये एक रूटीन था, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ था। उस दिन क्या हुआ, उस दिन हजूर पिताजी ने बच्चों से पूछा ही नहीं, उस दिन पिताजी ने वो सारी चीज़ पढ़ के विपासना डेरा के प्रबंधक को बुलाया और बोला भी इस बच्चे की ये पर्ची लेके रख लो, चिट्ठी ले लो, इस बच्चे की चिट्ठी या पर्ची ऐसे कुछ बोला, पर्ची लेके रख लो। मेरे को बड़ा अजीब सा लगा भी, पिताजी हर बार पढ़ते थे, बच्चों से पूछा ही नहीं, और ये तो बच्चों से पूछ के लिखा है मैंने, सब कुछ बच्चों की सलाह से हो रहा है अभी, उसके बाद पिताजी ने मना, मतलब पूछा ही नहीं। तो संत क्योंकि कभी गलती नहीं खाते, और हमें लगता है अभी कोई नहीं ख्याल से निकल गया होगा सब कुछ है, वो गलती नहीं खाते, उनकी हर बात को
देर में समझ में आती है, और जब आती है तब तक बहुत कुछ हो चुका होता है। अब ये बात करके पिताजी उस टाइम, उसके बाद पिताजी ने बच्चों से कोई बात नहीं की। जब पिताजी गर्ल्स स्कूल वाले बच्चों की तरफ गए, उनसे तो कोई, हम बॉयज़ स्कूल की तरफ ये बात बोली, गर्ल्स स्कूल की तरफ तो ये बात भी नहीं बोली बच्चों को। तो गर्ल्स स्कूल के पास से भी आशीर्वाद देके उनसे कोई बात किए बिना, बस जो बच्चे जिनकी शादियां हुई थी उनको शगुन वगैरह देके निकल गए। फिर आगे मिस्त्रियों से भी कोई खास बातचीत नहीं की, वरना हर बार मिस्त्रियों से जब बातचीत होती थी तो उनकी अलग से स्टेज लगती थी, वहां पे पिताजी बैठते थे उनमें। पर उस दिन पिताजी मिस्त्रियों से भी कोई खास बात नहीं हुई। मतलब ये मान सकते हैं कि पिताजी अपना वो मैसेज बच्चों को देने के लिए ही पिताजी ने वो स्पेशल मीटिंग रखी। उसके बाद जब हमने ये बात रखी और पिताजी ने पर्ची लेके रख ली भी, पर्ची है ये, तो मुझे लगा कि शायद बच्चों के मन में कोई मकसद नहीं है, भी मुझे अपना मकसद चुनना चाहिए। और उसके बाद क्या होता है कि आईटी विंग की मीटिंग होती है, उससे अगले दिन रोर सेवन एक एप्लीकेशन बनाई जाती है, उस एप्लीकेशन को लॉन्च किया जाता है। ये एप्लीकेशन क्या थी, कम्युनिकेशन एप्लीकेशन थी, भी आपस में कम्युनिकेशन हो सके, जैसे फेसबुक टाइप एप्लीकेशन है, ऐसे बनाई थी, लेकिन सब स्टैंडर्ड थी तो चली नहीं, पर वो एप्लीकेशन बनाई गई। और उस एप्लीकेशन का सर्वर शाम तक ही क्रैश कर गया, जैसे उसमें डाउनलोड्स बढ़ने लगे तो सर्वर क्रैश हो गया शाम तक। अगले दिन सेवादारों की मीटिंग हुई जुलाई में ही, उसमें भी ऐसी कोई खास बातचीत नहीं हुई, लेकिन थोड़ा बहुत खींचतान थी पर उतना कोई खास नहीं था। उससे सेवादारों की मीटिंग से अगले दिन आईटी विंग की मीटिंग रखी गई। जब आईटी विंग की मीटिंग रखी गई तो मैं भी एक मेंबर था आईटी विंग में, लगभग बहुत छोटे लेवल पे, जैसे ब्लॉक मेंबर होते हैं बिल्कुल उस लेवल पे, तो सिंपल जो आम संगत होती है आईटी विंग के सेवादारों में, ट्विटर पे दो चार ट्वीट करने वाले, दैट्स इट। मैं कोई जिम्मेवार नहीं था, लेकिन वहाँ पे एंट्री सबको अलाउड थी, और बच्चे क्योंकि बाहर से आके जा चुके थे सत्संग से तो कम ही बच्चे थे, तो लगभग 100 बच्चे थे, 50 एक लड़के 50 एक लड़कियाँ। तो आईटी विंग की मीटिंग 13 आवास के नीचे जहाँ म्यूजियम था पहले, उस हॉल में वो मीटिंग ली गई। मीटिंग हुई वहाँ पे, और मीटिंग अक्सर होती थी आईटी विंग की, कोई कंस्ट्रक्टिव बढ़िया काम करेंगे, बच्चे पढ़े लिखे नॉलेज रखते हैं तो कोई सुझाव देंगे, तो इस तरह की मीटिंग चलती है। तो वो मीटिंग वहाँ पे हुई, और उसमें क्या था कि मेरे पास मई में पहले एक मीटिंग हुई थी, तो मई में मैंने कुछ सुझाव रखे थे, तो पिताजी से कहा था, पिताजी हम इस, पिताजी ने बोला था इस पर काम करके लाना अगली मीटिंग में, तो मैं अपने काम करके अपने डॉक्यूमेंट्स लेके खड़ा था। अब मीटिंग शुरू होती है तो सबसे पहले मीटिंग में अजीब तरह की मीटिंग होती है, मतलब ऐसा लगता है जैसे मीटिंग नहीं हो रही थी, खाना पूर्ति हो रही थी। उस मीटिंग में बिना सिर पैर की बातें चल रही थी, और मेरे को बड़ा अजीब लग रहा था भी, अरे बिना सिर पैर की बातें पिताजी कर क्यों रहे हैं। फिर क्या है कि बहुत सारी क्योंकि पहली बार मैं उस छोटी सी मीटिंग में, एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में शामिल हुआ था। हाँ, पहले जब मीटिंग होती थी तो बहुत सारे बच्चे थे, उसमें बहुत कम बच्चे थे और मेन मेन ही सेवादार थे। अब उस मीटिंग में अर्ष अरोड़ा सामने आए और रोर सेवन की एप्लीकेशन की चर्चा चली, तो रोर सेवन के ऊपर लगभग दरबार का 80 लाख रुपया खर्च हुआ था। और वहाँ एक इंजीनियर ने बताया, जो बेंगलोर साइड का कोई इंजीनियर आया हुआ था, अच्छा सीनियर इंजीनियर था, उसने ये बात पिताजी को बताई कि जी जो ये एप्लीकेशन क्रैश हुई है, जो सर्वर क्रैश हुआ है, एक्चुअल में ये एप्लीकेशन गलत सॉफ्टवेयर में बन गई है, और ये गलती एक टाइम पे फेसबुक ने भी की थी उसी सॉफ्टवेयर में बना के। मुझे उतनी जानकारी नहीं वो कौन सा सॉफ्टवेयर था, फेसबुक ने भी ऐसी कोई गलती की थी उसी सॉफ्टवेयर में बना के, और बाद में मार्क सुकरबर्ग जो फेसबुक के मालिक हैं उन्होंने दुनिया के सामने ये कहा था कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है कि मैंने इस सॉफ्टवेयर के अंदर इस एप्लीकेशन को बनाया। और ये बहुत चर्चित बात है इंजीनियर्स के बीच में। अब क्या हुआ, जब ये सारी चीज़ें हुई और अब उस इंजीनियर को खड़ा किया गया जिसने, जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी थी, या तुमको इस बात की नॉलेज नहीं थी, अब वो पिताजी के सामने झूठ बोलने लगा, अजीब गरीब करने लगा। लेकिन असलियत ये थी कि वो एप्लीकेशन उसने भी नहीं बनाई थी, उसने क्या किया था, उसने बाजार से बनी बनाई एप्लीकेशन खरीद ली थी, बस उसका नाम बदल के रख दिया था हजूर पिताजी के सामने। एक वेबसाइट जैसे बनी बनाई मिल जाती है मॉड्यूल, उसे खरीदा था, उसमें नाम बदल के उसका नाम रोर सेवन करके खरीद के उसको बना के दे दिया, उसने कोई मेहनत नहीं की थी। उसके बाद उसकी जो टेस्टिंग हुई थी वो टेस्टिंग भी इलीगल तरीके से की गई थी, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। तो हुआ क्या कि मतलब कहने का कि 80 लाख रुपया स्वाहा,
अब आप सोचिए कि सात संगत में पांच पैसे कोई किसी का नुकसान हो जाए, पांच पैसे भी डेरे से कोई नुकसान हो जाए, संगत का पैसों का नुकसान हो जाए, तो वो भी हजूर पिताजी से माफी मांगते थे जो सच्चे सेवादार हैं। 80 लाख रुपए का नुकसान हो गया, खड़े खड़े के एप्लीकेशन क्रैश हो गई, और उसके बाद जो इंचार्ज था इस प्रोजेक्ट का, उसने हजूर पिताजी के सामने माफी मांगना भी मुनासिब नहीं समझा। वो इवन पिताजी डांट रहे थे, वो हंस रहे थे। धीरे धीरे और बातें चली तो वहाँ पे अर्श अरोड़ा सज्जन भी कई लोग थे, तो अर्श अरोड़ा भी हंस रहा था किसी बात पर, पिताजी उसे डांट रहे थे। और लोग अर्श अरोड़ा को, क्योंकि पिताजी का ताज़ा ताज़ा वो PRO बना था, तो बड़ी रिस्पेक्ट करते थे IT विंग वाले उसकी। पिताजी उसे डांट रहे थे, वो हंस रहा था, और पिताजी ने फिर उसको देख के वचन फरमाए, कहते कितना बेशरम आदमी है, कितना बेशर, ऐसे बोला कि, मतलब मुझे अच्छी तरह याद है, राइट साइड में खड़ा था वो पिताजी के, बोला कितना बेशरम है, हम बच्चों को बोल रहे, कहते बेटा देखना कितना बेशरम है, हम इसको डांट रहे हैं और ये हंस रहा है। मतलब ये पिताजी ने वचन किए कितना बेशरम है, हम इसको डांट रहे हैं और ये हंस रहा है। हमने सोचा था भी ये लड़के कुछ करेंगे, ये कुछ करेगा। और साइड में खड़ा था एक ब्रह्मचारी, बोला ये भी इसके जैसा ही हो गया। तो ये भी इसके जैसा ही हो गया, ये चीज पिताजी ने बोली। अब वहां मुझे समझ में आया, उस मीटिंग के दौरान हर एक वो व्यक्ति जो IT विंग में सुपर VIP था, उन सब का जुलूस निकला, और किसी ने भी, हर बंदे ने पिताजी की सिंसेरिटी का वहाँ मजाक उड़ाया, और पिताजी बार बार ये बात रिपीट करते रहे भी हम इन्हें डांट रहे हैं और ये हंस रहे हैं, ये कितने बेशरम लोग हैं, बार बार। और उसके बावजूद भी किसी ने वहाँ पे माफ़ी मांगना मुनासिब नहीं समझा। मेरे हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, मैं खड़ा था, मैं कहा मेरा भी नंबर आएगा, मैं भी बोलूँगा, लेकिन मेरा नंबर आया ही नहीं, आया नहीं। क्या मुझे ऐसा लगा जैसे पिताजी मुझे सामने से इग्नोर कर रहे हैं। मैं बार बार बोलता हूँ पिताजी मेरी, मैं ये देख रहा था भी पिताजी जिनसे बात कर रहे हैं उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया हुआ है, डांटे जा रहे हैं उन्हें, और उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, मैं काम करके लाया हूँ, मुझसे पूछ नहीं रहे हैं। अब उस टाइम तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था। और जब बिल्कुल सबकी बात हो गई, मैं ऐसा नहीं था कि दूर बैठा था, लगभग मुश्किल से 2 कदम की दूरी होगी, 3 2 बच्चे मेरे आगे बैठे थे। तो ये सब कुछ हुआ, आखिरी में मैं बोल ही पड़ा, मगर पिताजी मेरी बात रह गई। पिताजी एकदम से बोले बेटा बहुत टाइम दे दिया आपको, अब आप यहाँ से चले जाओ वरना हम उठ के चले जाएंगे। ये बात पिताजी ने वचन की। मुझे ऐसा लगा भाई जैसे पिताजी ने इंटेंशनली जानबूझ के मुझे इग्नोर किया और मेरी बात सुन नहीं रहे हैं। तब मेरे मन में अचानक आया भी, और वो कई प्रोजेक्ट्स पे मैं काम कर रहा था और हजूर पिताजी की सहमति से ही कर रहा था, और लगभग 1.5 साल बाद मैंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया था, मैं उसका भी ब्रीफ करना चाहता था। ये सारी चीज़ें चल रही थी, और इस दौरान जब पिताजी ने मना कर दिया बात करने से, तो उसके बाद जब मैं वापस जाने लगा उठ के मीटिंग से, पिताजी तो वहीं विराजमान थे, बच्चे उठ के जाने लगे, तो मेरे मन में एक बात आ गई, मैं पिताजी भी हम इतने निकम्मे हो गए भी, आपके मंच पे हमारे लिए कोई जगह ही नहीं रही भी, आप हमें अपने मंच पे रखना नहीं चाहते, और ये इतने बेशरम लोग हैं जो आप डांट रहे हो और हंस रहे हैं, और एक कोई काम नहीं करके लाए, इन्होंने खड़े खड़े आप दरबार का 80 लाख रुपए का नुकसान कर दिया, और आप और इनको आप ये 50 50 हज़ार लाख लाख रुपए की तनख्वाह दी जा रही है बिना मतलब, बिना किसी काम के, भी आप इन लोगों को टाइम दे रहे हैं और हम प्रोजेक्ट लिख के लाए हैं आपके हुक्म से, और हमें आपने टाइम नहीं दिया भी, क्या फिर हम अपना मंच खड़ा करें जब आप हमारे मंच पे आओगे। मतलब मेरे मन में ये सवाल उठ गया उस टाइम, लेकिन उसी क्षण मुझे लगा भी मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अब वो मीटिंग भी निकल गई, उसके बाद हमने सोचा भी अब क्या किया जाए भी, एडम ब्लॉक की निगाह में तो हम वैसे ही, मैं बागी था, तो मैंने फिर भी जैसे तैसे करके IT विंग के एक बंदे को सेट किया, और 7 दिन का भंडारा मनाया जाना था, 9 10 अगस्त से 17 अगस्त के बीच। बाहर क्या चल रहा है हमें नहीं पता था उस टाइम पे, लेकिन अब आपको हम बता सकते हैं कि उस टाइम डे टू डे कोर्ट की हियरिंग चल रही थी, और लगभग 7 या 8 अगस्त 2017 तक तो केस फाइनल हो चुका था, और 17 अगस्त को फैसला सुनाया जाना था केस का।
इधर से पिताजी ने 7 दिन का भंडारा रख दिया। लगभग 16 तारीख तक, 17 तारीख को फैसला सुनाया जाना था कोर्ट के मुताबिक। मैंने आईटी विंग के कुछ लोगों से डिस्कशन करके सोचा भी हम एक सेमिनार क्यों ना रखें। हालांकि मुझे उस टाइम केस में क्या चल रहा है कोई जानकारी नहीं थी। हमने एक सेमिनार रख लिया और उस सेमिनार में हम लोगों से क्वेश्चंस लिया करते पिताजी के केसों से संबंधित भी। क्या पिताजी के बारे के केसों के बारे में जो क्वेश्चंस उठते हैं मार्क सोसाइटी में, क्या उनका जवाब संगत के पास है? ये चीज़ें हम मतलब साथ संगत में खंगालने लगे थे, ढूंढ रहे मतलब देखने लगे थे भी साथ संगत को कितना कुछ पता है। जब ये सारी चीज़ें हम हर रोज़ सेमिनार लेते, एक बार दो बार ऐसे सेमिनार चलता और इधर से भंडारा चलता था रात को, दिन में हम सेमिनार लेते थे। काफ़ी लोग उस सेमिनार में लगभग सैकड़ों की तादाद में लोग बदल बदल के आए, पार्टिसिपेट किया और बड़े इंटेलेक्चुअल्स थे और इस लेवल के भी थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कह लो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक में जो जॉब करते थे उस लेवल तक के लोग भी आए और ऑफिसर लेवल कई ऐसे लोग भी आए गृह मंत्रालय के जो संगत में किसी को नहीं पता था। और ये सारी चीज़ हुई उस दौरान और बहुत सारे सवाल मुझे वहाँ पे मिले उस 7 दिनों में भी। बाहर पब्लिक कैसे कैसे सवाल हजूर पिताजी के बारे में पूछती है और हमारी संगत जवाब देने की बजाय मतलब हट जाती है, पीछे भी क्यों मुंह लगना है किसी के। ये चीज़ें उस दौरान मुझे समझ में आई। 17 अगस्त की फिर मीटिंग भी आई और 17 अगस्त की मीटिंग के बाद जो हुआ है वो सब कुछ है। तो हम लगता है कि 17 अगस्त की मीटिंग अपने आप में एक लंबा टॉपिक हो जाएगा, तो 17 अगस्त की मीटिंग से हम आगे अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा अब आपको कुछ चीज़ें और बता दें जो करंट इश्यूज में चल रही हैं। 17 अगस्त की मीटिंग तक हम पहुँच गए हैं और उसके बाद 25 तारीख को ये दंगा हुआ और उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ है, तो वो हम आपको बताएंगे अगले पार्ट में। अब करंट इश्यूज हैं कुछ, वो आपको बताएं। एक तो ये कि कल किसी ने एक वीडियो भेजा है मुझे, उस वीडियो में बताया गया अभी जो काफिला पिताजी का सुनारिया आ रहा है वो फर्जी है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने आपको पहले भी बताई थी लेकिन आप फिर बता दें। आपको ये बताएं कि हजूर पिताजी के पास जो सिक्योरिटी थी डेरा में जेल जाने से पहले सरकार की तरफ से, वो जेड सिक्योरिटी थी, जेड प्लस नहीं थी। ये आपको बता दें, वो जेड सिक्योरिटी थी, जेड प्लस नहीं थी। जो अगर आपको किसी को डाउट हो कि जेड प्लस थी, ऐसा नहीं था। अब जेड अभी जो मीडिया में चल रहा है वो जेड प्लस सिक्योरिटी है। एक्चुअल में ये सिक्योरिटी सेंट्रल होम मिनिस्ट्री की तरफ से इशू होती है, उनके रिकॉर्ड पे होती है। ये सिक्योरिटी उस लेवल की है जैसे राहुल गांधी, सोनिया गांधी लेवल के लोगों को या चीफ मिनिस्टर लेवल के लोगों को ये सिक्योरिटी दी जाती है। मुकेश अंबानी जैसे लोगों को भी ये सिक्योरिटी जेड प्लस लेवल की मिलती है। नहीं तो आप कंगना रनौत को देखते हैं, विश्वास, जो कुमार विश्वास को, ये सब वाई कैटेगरी में आते हैं। इसके ऊपर जेड आती है, जेड के ऊपर जेड प्लस आती है, उसके ऊपर SPG आ जाती है। तो ये जो सरकारी बंदों को तो वैसे ही मिलती है लेकिन प्राइवेट कुछ लोगों को दी गई है इस देश में। तो उसमें अभी जेड प्लस का मसला उठा। आपको पता होगी जेड प्लस है क्या। जेड प्लस सिक्योरिटी में 3 तरह के कमांडो होते हैं। एक होते हैं NSG कमांडो, NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। ये कमांडो स्टेट पुलिस के अंडर नहीं आते हैं, भी हरियाणा पुलिस में नहीं आते हैं, ये सेंटर की फोर्स है एक तरह की। और NSG भी 2 तरह के होते हैं, एक जो बिल्कुल ऑपरेशनल होते हैं, ऑपरेशंस में जाते हैं, एक दूसरे नॉन ऑपरेशनल होते हैं। तो जो NSG कमांडो जेड प्लस में लगते हैं वो नॉन ऑपरेशनल वाले होते हैं। दूसरा इसमें CISF होती है और तीसरा एक ITBP इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस होती है, ITBP के जवान होते हैं। चौथा इसमें CRPF। इसमें स्टेट पुलिस कहीं नहीं आती है जेड प्लस में, ज़्यादातर यही लोग होते हैं। कम से कम जेड प्लस के अंदर 10 NSG कमांडो होते हैं। अब आपको पता कैसे चले ये चलता काफिला कौन सी सिक्योरिटी में चल रहा है? जेल से फरलो मिली, फरलो मिलने का मतलब है पिताजी को छुट्टी मिली है। जेल ने गुड़गांव पुलिस को हैंडओवर नहीं किया है पिताजी को, जेल ने पिताजी के परिवार को पिताजी को हैंडओवर किया है, क्योंकि वो छुट्टी पे निकले हैं, कस्टडी में नहीं जा रहे हैं। पैरोल होती है कस्टडी में, लेकिन फरलो में कस्टडी नहीं होती है। उन्होंने हजूर पिताजी को परिवार को हैंडओवर किया या डेरे की मैनेजमेंट को हैंडओवर किया
और उसके बाद खतरे को देखते हुए सिक्योरिटी भी दे दी साथ में कि सिक्योरिटी की जरूरत है जेल के अंदर भी और जेल के बाहर भी। तो ये मसला हुआ। अब वहां से वो गुरुग्राम आए, उस टाइम कौन सी सिक्योरिटी थी पता नहीं, लेकिन सरकार ने जो कोर्ट में बोला उस हिसाब से जेड प्लस थी। जेड प्लस का मतलब होता है कि जब किसी वीआईपी की मूवमेंट होती है, अगर आपको बताएं जब डेरे से भी कहीं भी पिताजी जाते हैं, मान लीजिए पिताजी गुरुग्राम के नामचर्चा घर में हैं, नामचर्चा घर से गुरुग्राम के ग्रेटर कैलाश में जाना है पिताजी ने, कोठी में ग्रेटर कैलाश वाली, तो भी क्या होता है गुरुग्राम और दिल्ली के कंसर्न्ड एसीपी को डेरा से फैक्स जाता है बकायदा, जो सिक्योरिटी इंचार्ज होगा पिताजी का ऑन रिकॉर्ड सिक्योरिटी इंचार्ज प्राइवेट लेवल पे डॉक्टर पीआर नैन, तो फैक्स जाता है डेरा से। वो फैक्स जाएगा, उसमें रूट लिखा होता है कि ये वीआईपी ने यहाँ से यहाँ जाना है इतने बजे तक, तो आप हमारा रिकॉर्ड पे रिक्वेस्ट लिखो और उस रिक्वेस्ट के बेस पे जो कंसर्न लोकल एसपी या एसीपी होगा वो पायलट गाड़ी को इशू करता है, पायलट की ड्यूटी लगाता है, जो पायलट उस रूट को क्लीन कराएगी और वहां से वीआईपी का मूवमेंट होगा और वो लोकल पुलिस को ट्रैफिक को अलर्ट करेगी भी एक वीआईपी मूवमेंट होना है। ये एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है, इस प्रोटोकॉल से बाहर पुलिस नहीं चल सकती। तो 2000 जब हजूर पिताजी को फरलो पे बाहर भेजा गया होगा तो ऑब्वियसली उसके बाद पिताजी की कोई भी गाड़ी होगी वीआईपी की जो गाड़ी होती है उस गाड़ी के 50 मीटर के दायरे में एक गाड़ी और चलती है जेड प्लस में, जेड में भी चलती है जेड प्लस में, जिसमें एंटीना लगे होते हैं। आपने देखा हो जब सत्संग के दौरान भी स्टेज के साइड में एक एंडेवर गाड़ी बड़े बड़े एंटीना लगा के खड़ी होती है। जो भी काफिले में मेन गाड़ियां होती हैं उस हर गाड़ी में वायरलेस सिस्टम होता है जिससे सारी गाड़ियां आपस में कनेक्टेड होती हैं और इसका कंट्रोल उस जैमर गाड़ी में लगे एंटीना से चलता होता है या कोई एक और गाड़ी में जो वायरलेस कंट्रोल चलता है उसका काफिले के अंदर। अब ये सब एक प्रायोरिटी है। उसके बाद वीआईपी की गाड़ी के आगे और पीछे एक जिप्सी ऐसी मिलेगी जिसमें कमांडो खुले तौर पे खड़े होते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, वो दिखाई दे रहे होते हैं बाहर ओपन तौर पे और उनकी जो बंदूक है उन्होंने पकड़ी हुई होती है। ये चीजें होती हैं जेड प्लस सिक्योरिटी में। क्यों होती है? अगर 40 की स्पीड से वीआईपी की गाड़ी स्लो हो जाएगी तो फटाफट वो कमांडो जिप्सी छोड़ के वीआईपी की गाड़ी के चारों तरफ आ जाएंगे, ये गाड़ी हमें प्रोटेक्ट करनी है। गाड़ी को अगर 40 की स्पीड से नीचे उतारा जाएगा तो कमांडो पैदल दौड़ेंगे ना कि जीप के ऊपर, ये एक प्रोटोकॉल है। अब आगे चले, ये सारा प्रोटोकॉल आपने वो तमाम वीडियो देखे हैं जेल से जाते हुए गुरुग्राम तक, कोई ये प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया। उसके बाद जब वापसी, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जेड प्लस सिक्योरिटी में जो वीआईपी की गाड़ी होती है वो गाड़ी बुलेट प्रूफ होती है, उसका मैंडेटरी है बुलेट प्रूफ होना उस गाड़ी का, तो वो गाड़ी बुलेट प्रूफ होनी चाहिए। लेकिन जो फॉर्चुनर दो गई वो दोनों सेवा समिति वालों की गाड़ियां थी जो बुलेट प्रूफ नहीं थी। अब जब वापसी में जो आप काफिला देख रहे हैं, अगर वास्तव में जेड प्लस मिली होती और वास्तव में उसमें हजूर पिताजी होते तो ना तो उस काफिले में आगे पायलट गाड़ी है ना उसमें कमांडो वाली कोई गाड़ी है, एक एस्कॉर्ट व्हीकल है, बाकी सब पुलिस की गाड़ियां टवेरा हैं, सिर्फ एक ही एस्कॉर्ट व्हीकल है। पीसीआर कभी नहीं चलती है काफिले के अंदर, आपको ये बता दें पीसीआर पुलिस कंट्रोल रूम होता है, पीसीआर कभी काफिले में नहीं चलती है। हाईवे पेट्रोल चलेगा, पायलट चलेगा, लेकिन पीसीआर नहीं चलेगा। पीसीआर तो पुलिस कंट्रोल रूम होता है 100 नंबर 112 नंबर वाला, तो उसमें पीसी गुड़गांव पुलिस की पीसीआर वाली ब्लैक स्कॉर्पियो चल रही है जो हो नहीं सकती है उस काफिले में। उसके अलावा उसमें जैमर नहीं है, बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं है। जब गाड़ी मोड़ से मुड़ रही है तो कोई कमांडो उतर के नीचे नहीं उतरा जबकि रोड के ऊपर अनजान लोग खड़े हैं। पायलट जब जेड प्लस में आगे चलता तो उसके हाथ में रेड फ्लैग होता है और रेड फ्लैग का मतलब है भी पीछे हट जाओ वरना गोली मार देंगे। अगर काफिले के गाड़ी के 10 मीटर के दायरे 10 फुट के दायरे के नज़दीक कोई आता है तो कमांडो को डायरेक्ट गोली मारने का ऑर्डर होता है, लेकिन ये सब उस काफिले में मिसिंग है। इसका मतलब जो काफिला आप देख रहे हैं वीडियो में वो डमी है, उसमें कोई है ही नहीं वीआईपी, वो काफिला डमी है। और अगर एक तरफ सच कहूँ चिल्ला रहा है अभी हनीप्रीत सब पिताजी के साथ हैं, उसी टाइम पे दूसरी तरफ नाम चर्चा चल रही है और हनीप्रीत तो यहाँ सिरसा में बैठी है,
तो सच कहूँ वाले बोल रहे हैं वो तो पिताजी के साथ है, वो बैठी है सिरसा नाम चर्चा में, तो इसका मतलब क्या है? अभी पिताजी ने जेल जाना है, हनीप्रीत वहाँ नहीं गई है, तो हनीप्रीत की कोई औकात नहीं है वहाँ पे। एक्चुअल में पिताजी हों तो कोई वहाँ पे जाए, और हमारी जानकारी के मुताबिक तो परिवार भी नहीं था, खाली फॉर्चुनर चल रही थी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब आ जाइए आगे, जो ये नए प्रवक्ताओं के बारे में आपको उनकी बैकग्राउंड तो हमने सब बता ही दी थी, उसके अलावा एक उन्होंने रोने का ड्रामा किया, वो भी आपको समझ आ गया कितना ड्रामा हुआ है, कैसे हुआ और क्यों हुआ है। लेकिन उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी जो आपको समझ आनी चाहिए। एक ये कि यूक्रेन रूस के वार के अंदर पिताजी ने वचन किए 2 मिनट का मौन रखें। फिर डेरा कोई पार्लियामेंट है, डेरा की संगत कोई पार्लियामेंट में इकट्ठी हुई है जो श्रद्धांजलि भेंट करे। यूक्रेन ने क्या हार मान ली है, या यूक्रेन युद्ध हार गया है, या उनमें मतलब बहुत ज़्यादा नरसंहार हो गया है कि आप 2 मिनट का मौन रखें? वो लड़ाई अभी जारी है। अगर यूक्रेन के सैनिक मरे तो रशिया के भी मर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यूक्रेन के ही सैनिक मारे जा रहे हैं, रशिया के सैनिक भी मारे जा रहे हैं, रशिया के भी फाइटर जेट गिराए गए हैं, उनके भी टैंक जलाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन फाइट में नहीं है। अब मसला ये कि हजूर पिताजी कभी भी ये 2 मिनट का मौन नहीं रखवाते थे। और अगर आप सोचो 2 मिनट के मौन की बात है, तो कभी ये वचन क्यों नहीं आया भी पंचकुला में जो लोग मारे गए उनके लिए 2 मिनट का मौन रखा जाए? ये वचन आए कभी? 26 जनवरी 2001 को जब गुजरात में भूकंप आया, तब हजूर पिताजी ने साध संगत से मरे हुए लोगों के उद्धार के लिए नारा लगवाया, क्योंकि पिताजी कहते हैं ये नारा दो जहां में मंजूर होता है, इसलिए उन दिवंगत आत्माओं के लिए नारा लगाओ ताकि मालिक उन पर रहमत करके उनका उद्धार करें। उद्धार का मतलब है उनको जल्दी मनुष्य जन्म दोबारा दें, ताकि वो दोबारा ईश्वर को पाने की स्थिति में फिर से आए। ये चीज़ें हजूर पिताजी करवाते रहे। डबवाली में जब हुआ, जब डबवाली में अग्निकांड हुआ, तब भी हजूर पिताजी ने साध संगत से नारा लगवाया था, और खुद भी नारा लगाया था उन लोगों के लिए जिनको डबवाली में, जिनके साथ ये घटनाएं घटी। तो हजूर पिताजी जब भी कोई घटना घटती है, अप्रिय घटना घटती है, तो नारा लगवाते हैं, ना कि ये 2 मिनट का मौन रखवाते हैं। 2 मिनट के मौन के मायने क्या हैं? 2 मिनट के मौन के मायने सिर्फ इतने हैं कि 2 मिनट आप शांति बनाए रखें, आप उन लोगों को याद करें जो लोग आपसे बिछुड़ गए, और वो लोग सम्मानजनक थे, मतलब अच्छे लोग थे, हमारे प्रिय थे, इसलिए लोग मौन रखते हैं। उससे किसी का उद्धार नहीं होता है, वो उन लोगों की स्मृति में रखा जाता है, याद में। असल में पिताजी जब कोई वचन करेंगे तो वो हमेशा ये बोलते थे उन आत्माओं का उद्धार हो, इसलिए साध संगत नारा लगाती। तो नारा लगाने की प्रथा तो है, लेकिन मौन रखने की प्रथा नहीं है। और ये मौन कभी भी पंचकुला में मारे गए या सिरसा में मारे गए लोगों के लिए, जो साध संगत के पिताजी के अपने बच्चे हैं वो लोग मारे गए, उनके लिए क्यों नहीं आया? तो इससे आपको समझ जाना चाहिए ये 2 मिनट का मौन किसके कहने पे क्यों रखा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए, सब बनावटी ड्रामा है, क्योंकि पैरोल फरलो खत्म है। किसको क्या फर्क पड़ता है? जितेंद्र खुराना को अपने हिस्से के पैसे मिल गए होंगे, संदीप कौर को उसके हिस्से के मिल गए होंगे, उसके घर वाले को उसके हिस्से के मिल गए होंगे। इस दौरान, इस पिछले 3-4 महीने में जितना पैसा इन्वेस्ट किया है 45 मेंबरों ने, और हनीप्रीत ने, हनीप्रीत की ताज़ा एक इन्वेस्टमेंट हुई है मोहाली में, तो बड़े बड़ी पैमाने पे, जैसे माया गार्डन मैग्नीशिया में हुई थी, तो ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट हुई है। हालांकि लगता है अभी यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, पर काफ़ी हद तक हमें पता चल गया है कि कौन से रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और आपके सामने ये ड्रामा है। क्या है कि इतिहास साक्षी है, संतों का एक वचन, एक वचन का एक अक्षर भी बदल दिया जाए तो संत अपनी संगत से उसे बेदखल कर देते हैं। ये संतों का इतिहास है कि संतों का वचन नहीं बदलना चाहिए कभी भी किसी के भी दबाव में आके। सोचिए अगर संत का वचन बदलना छोड़िए, खुद से संत के वचन बना लिए जाएं, संत के नाम पे जबरदस्ती लोगों को रुलाया जाए, उस भावना का इस्तेमाल किया जाए, भैया अब आप रो लिए, अब आप हमारे कहने पे लोगों के गटर साफ करो। करोड़ों रुपया इलेक्शन में बनाया राजनीतिक विंग ने, मैनेजमेंट ने, शाही परिवार ने, सब ने बनाया 45 मेंबरों ने, गटर साफ करने के लिए अब संगत क्यों है? भी क्यों साफ करें हम किसी की गंदगी? वो तो सतगुरु के हुक्म में तो बंदा उल्टा भी टंगेगा।
तुम्हारे क्यों करें तुम्हारे कहने पे सब कुछ। तो ये चीजें आपको समझ आनी चाहिए। क्या है, एक तो होता है आदमी गंदगी गंद थोड़ा बहुत गंद बोलने लगा है, गंदगी की तरफ बढ़ा है। एक सुअर होते हैं जो गंदगी से सड़े होते हैं। अब उसके ऊपर चाहे एक बाल्टी गंदगी डाल दो या 100 बाल्टी डाल दो, वो गंदगी में सड़े हुए हैं। तो अब क्या है, अब ये जितना भी डेरे का व्यवस्था ढांचा है, ये उस गंदगी में सड़े हुए सुअर के बराबर हैं। अब आप सोचें इनके ऊपर एक बाल्टी डाल दो कि 10 डाल दो, इनको क्या फर्क पड़ता है भी छोटे नाले में छलांग लगाने के बड़े नाले में। इनकी सोच ही गटर तक सीमित है, तो ये आपसे गटर ही साफ कराएंगे। इनकी सोच है ही नहीं ऊपर तक। इनको ये दिखाना है भी साथ संगत हमारी गुलाम है, और जो हम इशारा करेंगे वो हो जाएगा। और 4 दिनों में आपसे गटर साफ करवाते नजर भी आएंगे ये, और जो इनके जैसे होंगे वो 4 उतरे भी होंगे गटर साफ करने, उतरेंगे भी। तो कर लो, 1948 से 2017 तक हजूर पिताजी जिस नगरी में रहे, यहाँ के गटर तो कभी साफ नहीं करते। और छोड़ो, डेरे के ही नहीं गटर, डेरे के आसपास सीवर लाइन है उसे ही साफ कर लो, वो भी नहीं करते। गुड़गांव के जाके साफ करेंगे क्यों? सिर्फ और सिर्फ ये भी भाई साहब, हमारे ऊपर जो माई बाप भाजपा वाले बैठे हैं, उनको यकीन जो दिलाना है कि साध संगत हमारे गुलाम है, हमारे इशारों पे नाचती है, उनके लिए हजूर पिताजी का कोई महत्व नहीं है। देखो जी, पिताजी जेल में वापस जा रहे हैं और ये यहाँ पे खुशियाँ मना के प्रसाद में लड्डू बांट रहे हैं। तो ये चीज़ें किसको दिखानी है? ये आपकी गुलामी का सबूत है जो दिया जा रहा है सरकारों को, और उसके बदले में करोड़ों रुपए ऐंठे जा रहे हैं। पागल है कोई 30 30 45 नंबर उठ के एक छोटे छोटे कस्बों में जा रहे हैं कि भैया अब वोट देना है, हमारे कहने पे वोट देना है। ये चीज़ चल रही है। आज एक फ़ोटो किसी ने भेजी है, और उस फोटो में क्या है, कटोरी के अंदर बूंदी का प्रसाद है। बोला जी, दृष्टि वाला प्रसाद आया। आपको दृष्टि वाले प्रसाद की असलियत तो बताते हैं, एक वीडियो है हमारे पास, कल कोशिश करेंगे उस वीडियो को डालने की। कोशिश करूंगा रात को तैयार हो जाए, एडिटिंग वाले को दे देते हैं, अगर एडिटिंग हो जाती है उसकी प्रॉपर, थोड़ा डिस्प्ले हो जाए सही, आपको सुन जाए भी वो बोल क्या रहे हैं। उसमें क्या है, 4 5 45 मेंबर हैं बहनें इसकी, यूथ वीरांगनाओं की, ये ट्रैफिक ग्राउंड में खड़ी हैं, कैंटर के पीछे, कैंटर के पीछे खड़ी हैं। वहाँ बातचीत क्या चल रही है, भे 4,000 रुपये का बूंदी का कट्टा है, ये ले जाओ प्रसाद है, 4 4,000 रुपये लाओ, और कितने किलो का पता नहीं, भैया ले जाओ। और वहाँ पे एक आदमी खड़ा है बहादुरगढ़ का जिम्मेवार, वो क्या बोल रहा है, कह जी ये इसके छोड़ो, पहले पुराने वाले पैसे का हिसाब करो, ये पकड़ो 13 आवास के अचार के नाम पे, ये पकड़ो 13 आवास के साग पालक सब्जियों के नाम के, ये चल रहा है। मतलब 13 आवास किस, अब 13 आवास का अचार कौन बना रहा है, अभी 13 आवास में कोई है ही नहीं। हजूर पिताजी का 13 आवास तो इस टाइम सुनारी है, तो असली 13 आवास तो सुनारिया मिक्की जेल है, सतगुरु का वास जहाँ उसे ना 13 आवास बोलेंगे। तो अब 13 आवास में तो घास है, 13 आवास में कौन सा अचार बन रहे, 13 आवास का अचार है जी। अब वो वीडियो में है, आपको दिखाएंगे। उसके बाद वो बूंदी दे रहे हैं। अब बूंदी में एक आदमी वहाँ खड़ा होकर पूछ रहा है, कहता ये बूंदी कैसे, वो कहता जी ऐसा है, ये बूंदी बनाई गई थी नाम चर्चा में प्रसाद बांटने के लिए, लेकिन रातों रात क्या हुआ पता नहीं, मैनेजमेंट का दिमाग ख़राब हुआ, उन्होंने बोला जी लड्डू बनाने हैं जी, बूंदी नहीं बांटने, लड्डू बनाने, खुशी बनानी है। खुशी किस बात की, वो आपको भी पता है, अभी इधर नाम चर्चा में लड्डू बांट रहे थे और उधर पिताजी जेल वापस जा रहे थे, तो पिताजी के जेल जाने की खुशी में लड्डू बांटे जा रहे थे एक तरह से। बोला ये तो बूंदी बच गई, अब लड्डू बट गए, ये बूंदी अब बेचनी है इसलिए ब्लाकों में दे रहे हैं। अब आगे से बंदा पूछ रहा है, दृष्टि वाली है, अभी वो कह के हटाया कि हमने ये बूंदी बना ली थी और हमें बांटनी थी, लेकिन लड्डू बांट दिए, बूंदी बच गई अभी बेचनी है। आगे से वो महानुभाव कह रहा है, हाँ जी दृष्टि वाली है, अभी खुद ही कह के हटाया कि भैया दृष्टि भैया हमने बनाई है, फिर कह रहा है ये दृष्टि वाली बूंदी है। ट्रक पूरा ट्रक लोड करा हुआ है उन्होंने, एक छोटा कैंटर लोड गया हुआ है, अलग अलग ब्लॉकों के जिम्मेवारों को पकड़ रहे हैं ट्रैफिक ग्राउंड में भी, अपने अपने गाड़ियों में चिपका दो बस रख दो, वहाँ 2 4 लेडीज रजिस्टर लेके खड़ी हैं, फटाफट नाम लिख रही हैं, कभी किसी का कभी किसी ब्लॉक का कभी किसी ब्लॉक का। और आज आप, क्योंकि तुम्हारे पास वीडियो आया लेट है या आ गया था शायद, उसको एडिट नहीं करवाया हमने प्रॉपर, डिस्प्ले फॉर्म में नहीं आया वो, तो वो आपको दिखा देंगे वो वीडियो। और जो आपके पास बूंदी का प्रसाद पहुंच रहा है, ये सब वहीं से निकला है। क्यों है वो, वैसे आप बूंदी इतनी खरीदते नहीं थे डेरे से, तो अब 4 4 हज़ार रुपये में आपके ब्लॉक के जिम्मेवारों को कट्टा पकड़ा दिया है, किसी ने 2 कट्टे 4 5 कितने कितने जगह होंगे। अब आपके नाम पे वो दृष्टि वाला प्रसाद है, तो आपको बता दें ये दृष्टि वाला प्रसाद नहीं है, असल में एडम ब्लॉक और 45 मेंबर
तांत्रिकों तक के पास जाने लगे हैं, ये भी हमारे पास पुख्ता सूचना है। अभी तांत्रिकों तक के संपर्क में ये लोग हैं और तांत्रिकों से तंत्र विद्या करके कुछ केमिकल लेते हैं ये, और वो केमिकल भी प्रसाद में रलाए जाने लगे हैं। जैसे पिताजी बोलते थे बेटा प्रसाद, इस तरह के केमिकल आ जाते हैं, तभी पिताजी क्यों बोलते थे भी किसी से भी प्रसाद लेके यूं ही मत खाओ। पिताजी कभी भी ब्लॉकों में प्रसाद नहीं भेजते थे, आज तक पिताजी ने कभी भी ब्लॉकों में प्रसाद नहीं भेजा। प्रसाद कब भेजते हैं, जब कोई बड़े स्केल पे सत्संगत सेवा कर रही हो, जैसे प्रिंस था, जब प्रिंस वहां पे बोरवेल में गिर गया था, तब प्रसाद हमेशा पिताजी सेवादारों को बोलते हैं भी अपना ले लो और अपने परिवार के लिए खुद ले जाओ, बीच के किसी बिचौलिए की गारंटी नहीं है वो आपको प्रसाद सही देगा या गलत देगा। ये बहुत सारे केमिकल ऐसे हैं जो आपको गुलाम बना लेते हैं, ये पिताजी अक्सर बोलते थे। तो ये जो तंत्र विद्या से तैयार करवाते हैं प्रसाद और उसमें केमिकल रला रला के आपको दृष्टि के नाम पे दे रहे हैं, ये असल में आपकी मानसिकता को गुलाम बना रहे हैं। आम आदमी जो छोड़िए, अच्छे से अच्छे एक्सपर्ट, मुझे ऐसे ऐसे लोग भी मिलते हैं जो ऑफिसर हैं, कानून की जानकारी भी रखते हैं, सैकड़ों की तादाद में वकील डेरा में आते थे, वो तो चलो सारे निकम्मे निकले, वो तो यहाँ केस ढूंढने आते थे शायद। तो ये सारे लोग जिनको पता है कानून का, वो भी क्या कहते हैं, अरे आप क्यों चक्करों में पड़े हो, अपने आप हो जाएगा। भाई तुम्हें तो पता है कानून कैसे काम करता है, चलो आम इंसान को नहीं पता। तो हाँ ये कह रहे हैं भी जो लड्डू बच गए हैं वो भी 100 रुपये पर केजी दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये धंधा है, बिजनेस है, आप किसी फॉर्म में ले लीजिए। अभी आपको सब्जियां, हमने बोला था सब्जियां, तो आजकल सब्जियां बहुत बिक रही हैं, हमने आपको पहले भी बताया था, अभी सब्जियां बांटी जाएंगी जबरदस्ती, भी पैसे की जरूरत बहुत है इनको, पैसा तो जितना मर्जी खिला दो वो शिव जी का लोटा है भरता ही नहीं है, तो ना वो खाली होता है ना वो भरता है, तो ये चलता ही रहता है। तो और ये चीज़ें चल रही हैं। तो बाकी हमारा 17 अगस्त 2017 की मीटिंग को हम अगले सेशन में लेंगे, लगभग 1 घंटा हो गया होगा जी। तो सवाल कोई ऐसा दिखाई नहीं दिया है, फिर भी कोई सवाल हो 1-2 मिनट हम और देख लेते हैं, कोई भी सवाल हो। कमल विर्क जी क्या लिख रहे हैं, चाहिए उल्टा सीधा लिख रहे हैं, अरे कुछ नहीं है, कंप्यूटर प्रिंटर से प्रिंट निकाल के चलने वाले लोग हैं, ये कंप्यूटरों वाले भगवान हैं इनके, इनका क्यों कंप्यूटर में भगवान पैदा करते हैं ये, छोड़ दीजिए इन्हें। कोई सवाल आपका हो तो पूछिए, 1-2 मिनट और देख लेते हैं। चलिए इतना सवाल आता है, इतना आपको बता दें कि हम उम्मीद करते हैं भी हजूर पिताजी तक ये बात पहुँचे, और हमें भी किसी व्यक्ति ने बताया भी हजूर पिताजी सात संगत का नारा कबूल करते हैं, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं, अरदास करते हैं हजूर पिताजी के चरणों में कि हमारी ये अरदास हजूर पिताजी के चरणों में कबूल हो। आप सब मिलके नारा लगाएं हजूर पिताजी के चरणों में कि हमारा नारा कबूल हो, हजूर पिताजी सात संगत को माफ़ करें और सात संगत के बीच में जल्दी वापस आएं, सबने मिलके नारा लगाना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पंचकुला दंगे में ब्रेन वॉश करके भेजा गया था जी, बिल्कुल, ये हम 17 अगस्त की मीटिंग के बाद में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक सवाल था कि हमारा डेरे में रुतबा क्या था, अभी हमें डेरे में सिर्फ डेरा प्रेमी हैं, इससे बड़ा रुतबा हमें चाहिए नहीं, हमारे गुरु के शिष्य हैं और गुरु का शिष्य होने के नाते हमारा ये फर्ज भी है और हमारा यह अधिकार भी है, और हमें हमने हजूर पिताजी के वचन सुने भी हैं कि पिताजी नहीं बताएंगे उनकी ज़रूरतें क्या, हमें समझ में जो आता है हम वो कर रहे हैं कि पिताजी की ये ज़रूरतें हैं, हम पूरी नहीं कर सकते हमें पता है, लेकिन हम तो भी अपना वो वचन जो हजूर पिताजी ने किया हम उसके अनुसार काम कर रहे हैं, आपको नहीं करना आप मत कीजिए, हम तो कर रहे हैं, हम पिताजी का वचन मान रहे हैं। और वचन मानने के, जब वचन मानता है शिष्य, कोई भी संगत मानती है, बहुत सारे ऐसे पालतू जानवर हैं जो मौकने लगते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कोई सवाल आपका हो, बहुत सारे लोग ऐसे मिले हैं डॉक्टर साहब, उस कैंटर के पास से मेरी वाइफ ने भी अभी बताया कि बूंदी वाले प्रसाद की बात सच है जी, मेरे पास तो वीडियो है, हम वीडियो भेज देंगे आपको। क्या फर्लो दोबारा मिलेगी? नहीं जी, मुझे लगता है कि आप बहुत सारी चीज़ें इनडायरेक्ट बोलते हो पता होते हुए भी, इज दिस राइट?
दिलावर संधु जी जितना हम बोलते हैं ये करीब करीब असलियत का 10% है सिर्फ। क्या है कि सच्चाई एक बार में हजम नहीं होगी, सच्चाई इससे बहुत ज़्यादा भयानक है, लेकिन हो जाएगी धीरे धीरे क्योंकि बहुत सारे कानूनी पेंच हुई हैं। शाही परिवार की कोई बात बतानी थी आपने इलेक्शन के बाद बताई नहीं जी, मेरे अभी ध्यान नहीं उस टाइम याद होगा, चलिए याद आएगी तो बता देंगे। निखिल धामा जी, यह सबके पास ब्लॉक या रिपोर्ट है वो मुझे पता लगता है। अच्छा ये भाई पहले वाली क्लियर कर लो, पहले कोई सवाल आपका हो तो, लगता है किसी का सवाल अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है तो हम आखिरी में अरदास लगाते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत के राह में चलते हुए हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श और सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी ठीक है जी, धन धन सतगुरु तेरे यस।